कॉल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर गर्ल, क्या हाल है आप लोगों के? हम सब ठीक हैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये है कि अपने आप को कोरोना से बचाओ। आजकल जो हालात चल रहे हैं उससे बचो। गैर ज़रूरी बाहर जाने से परहेज करें और मुनासिब फासला रखें और फेस मास्क ज़रूर पहनें। तो आज हम लेकर आए हैं कुकिंग गो की तरफ से आपके लिए अदरक का अचार बनाएंगे। उसके लिए मैं लेमन का जूस निकाल रहा हूँ। उसके लिए लेमन का जूस बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर हम इंशाल्लाह वो अदरक काट के वो दिखाते हैं तो अचार अदरक का कैसे बनाया जाता है। अदरक का अचार सो अचार ही नहीं, ये बेहतरीन दवाई होती है, भूख बढ़ाता है। जिन लोगों को बादी होती है वो बादी को दूर करता है। मेदे के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अभी हमारे पास ये अदरक कट चुका है। इस तरीके से आपने अदरक काटना है, लंबी लंबी ये कतलियाँ बना रही हैं। ये देखें, ये बहुत प्यारा लगता है, खाने में मज़ा आता है। और अदरक का अचार ऐसे ही बनाया जाता है। इसमें डालने के लिए ये नींबू का जूस है, लेमन जूस। ये इसका मसाला है। ये सुरख मिर्च, 7 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च है। नमक 1 चम्मच, छोटा चम्मच कलवंजी, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई दाना, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मेथी दाना। इस सारे को हम मसाले को इस लेमन जूस में डाल देंगे। डाल दिया और इसको इसमें मिक्स कर दिया। ये इसका मसाला तैयार हो गया। इसके लिए ये जार में तैयार किया है। इस जार में अदरक डालेंगे। लेमन जूस ना मेजर हो तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, सिरका भी बहुत अच्छा होता है। ये इसमें जनाब चला गया है। ये जो भी जूस मसाला पैक किया हुआ ये भी इसमें डाल देंगे। ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें ऊपर रख देंगे। इसकी जो क्रक्तन आएगी ना इसमें वो और मज़ा करेगी। ठीक है, अभी थोड़ा इसमें सिरका भी डालें। सिरका भी
अचार तैयार हो गया, इसको अभी आप 3 से 4 दिन इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको बंद कर देना है और इसको हिलाते रहना जरा डेली, ऐसे हिलाते रहना है और 4 दिन के बाद इंशाल्लाह ये जब थोड़ा गल जाएगा तो ये खाने के लायक हो जाएगा। ये हमारा अचार रेडी है। इस तरह अदरक का अचार बनाया जाता है और ये बहुत मज़ेदार होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। अभी आप एक गुजारिश आप लोगों से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी करें, वीडियो को पूरी वीडियो को देखा करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है और ये इससे ताकि हम आइंदा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।